नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबको आपके चैनल लेटेस्ट न्यूज़ में। तो फाइनली आज मैं आप सबके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेके आया हूं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे भरे BTU एग्जामिनेशन फॉर्म तो कैसे आपको भरना है। BTUP एग्जामिनेशन फॉर्म को मैं आपको ये इस वीडियो में प्रॉपर गाइड करने वाला हूँ। और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि 21 जुलाई से पहले होगी पॉलिटेक्निक सम सेमेस्टर की परीक्षा। तो किन छात्रों की परीक्षा कब से कब तक होगी मैं आपको सब कुछ डिटेल से मैं बताऊँगा। तो क्या न्यूज़ सामने आ रहा है मैं आपको सब कुछ मैं बताऊंगा, और मैं आपको लास्ट डेट बताऊंगा कि लास्ट डेट क्या है। तो आप सबको ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बस आप सबको शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में बने रहना है ताकि आप सब वीडियो को सही से समझ सके। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या न्यूज़ आ रहा है। यहाँ पे खुद साफ साफ लिखा गया है कि पॉलिटेक्निक सम सेमेस्टर की परीक्षा 2021 जुलाई से होगी। तो प्राविधिक शिक्षा विभाग की ओर से पॉलिटेक्निक सम सेमेस्टर की परीक्षा को तारीख घोषित कर दी गई है। दूसरे चौथे और छठे सेमेस्टर की परीक्षा 21 जुलाई से होगी। यहाँ पे देख सकते हैं दूसरे चौथे और छठे सेमेस्टर की परीक्षा 21 जुलाई से शुरू होकर 31 जुलाई तक समाप्त हो जाएगी। अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर पढ़ के। यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि ये निर्णय सोमवार को प्राविधिक शिक्षा विभाग के सचिव आलोक कुमार की अध्यक्षता में हुई वर्चुअल बैठक में लिया गया। बैठक में शामिल संयुक्त प्रवेश परीक्षा की प्रभारी सचिव राम रत्नन ने बताया कि बैठक में पॉलिटेक्निक छठे सेमेस्टर की परीक्षा 21 से 25 जुलाई के बीच होगी। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग पॉलिटेक्निक के जितने भी छठे सेमेस्टर की परीक्षा होनी है वो 21 से 25 जुलाई के बीच होगी, और दूसरे व चौथे सेमेस्टर की परीक्षा 26 से 31 जुलाई के बीच में कराने का निर्णय लिया गया है। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर आवेदन की तिथि भी बढ़ा दी गई है। तो जितने भी बच्चे हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट खुशखबरी है, क्योंकि उनकी जो डेट है वो भी आपकी आवेदन वाली वो भी बढ़ा दी गई है। तो आपको मैं बताता हूँ आपको फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ से विजिट करना है। तो मैं आपको बता दूँ आपको फर्स्टली क्या करना है, अपने गूगल पे आ जाना है। जैसे आप अपने गूगल पे आते हैं आपको यहाँ पे डाल देना रहेगा BTUP एग्जामिनेशन फॉर्म 2021। जैसे आप डालते हैं यहाँ पे एक साइट आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं BTUPSC.in एग्जामिनेशन फॉर्म 2021। आपको इस साइट पे विजिट करना रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको एक यहाँ पे देख सकते हैं साइट यहाँ पे ओपन होकर आ जाएगा। आपको स्क्रॉल करके नीचे चले जाना, जैसे जैसे मैं जा रहा हूँ आपको उतने ही नीचे चले जाना रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं क्या न्यूज़ आ रहा है सामने। तो मैंने आपको जो भी सब कुछ पढ़ के मैं बताया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे एक लिंक मिल जाएगा, अप्लाई ऑनलाइन UPBTU सेमेस्टर एग्जाम ऑनलाइन फॉर्म। यहाँ पे देख सकते हैं आपको मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। तो आपको क्या करना रहेगा इसी लिंक पे, यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंड वाली लिंक जो है आपको मैं बता दूँ। यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रॉल हो चुका है, इस समय मैं आपको बताता हूँ स्क्रॉल हो चुका है। तो मैं आपको करके यहाँ पे फिर से दोबारा से मैं विजिट कर देता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे बैक हो गया था मैं, सॉरी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग इस साइट पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं इसी पे आपको विजिट करना है। यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड वाले पे विजिट करना है, अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहीं से आप भर सकते हो। BTU एग्जामिनेशन फॉर्म अपना यहीं से भर सकते हो। तो जितने भी स्टूडेंट हैं आप यहां से यहीं लिंक से आप जाके अपना सब कुछ भर लेना। अगर आपको कोई दिक्कत आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इस पर प्रॉपर वीडियो बना के आपको गाइड कर दूंगा कि आप लोग अपना कैसे एग्जामिनेशन फॉर्म भरे। क्योंकि अगर आपको कोई दिक्कत आता है, अगर मैं इस वीडियो को बताऊँगा तो बहुत देर हो जाएगा। तो आप सबको मैं आपको ये भी बता दूँ, ये जो एग्जामिनेशन फॉर्म है ये ऑफलाइन भी भराया जा रहा है। तो आप अपने कॉलेज से संपर्क भी कर सकते हैं, अगर आपका से नहीं होता है तो आप यहां से अपना भर सकते हैं, स्टार्टअप ले सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना। अगर आपको कोई दिक्कत आता है तो आप कमेंट करके, या टेलीग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहां से आप ज्वाइन कर लेना। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। जितने भी भाई लोग हो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो जय हिंद, नमस्कार।